आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की दो बड़ी जमातें कटहरे में, और बहरान क्या रंग लाएगा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। लॉ एंड ऑर्डर पे देख लें, पुलिस अगर काम नहीं कर रही, हर में बच्चे मर रहे हैं, एक गवर्नेंस फेलियर। पिछले 20 साल में कई दफा एकदम इंतजार हो जाता था, एकदम लोग मारे जाते थे, इसका मतलब ये क्या रॉ के कहने पे करवाया जा रहा था। साकदार वाला जो बयान है मनी लॉन्ड्रिंग का, और जो लोड शेडिंग में वजीर दफा कट मार गया, उसकी भी तहकीकात तो करवा ले। खबर यह है कि वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने पूरे 10 लाख रुपए मीडिया के नाम किए हैं कि इनके लिए अच्छा अच्छा लिखें और अच्छा अच्छा बोला जाए। तो चलें आज जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। कहा जा रहा है कि आजकल कराची में दो तरह की लाशें हैं, दो तरह की मैयतें हैं, एक वो जो सर्द खानों में पड़ी हैं, कफन में लिपटी हुई, कब्रों के इंतजार में दफन होने की मुंतजर हैं, और दूसरी वो जो खुद को हर तरह की जिम्मेदारी से बरी उज़्ज़मा समझकर सब देखती हैं, सब सुनती हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में आती हैं, यखबस्ता कमरों में इजलास करती हैं, बहुत अफसोस हुआ, बहुत गम हुआ, बहुत तकलीफ हुई जैसी ड्रामाई बातें करती हैं, और फिर एयर कंडीशन गाड़ियों में हॉस्पिटल्स के दौरे और इमदादी रकम बांटने निकल पड़ती हैं। क्या ये सियासत है? क्या ये बेहतरीन तर्ज हुकूमत है? क्या सिंध के लोगों को सिंध का वारिस होने के दावेदारों से इसी तरह के तर्ज अमल की तवक्को थी? ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला मैच्योर क्यादत मुल्क से बाहर चली गई, अकेले इमैच्योर बिलावल को भंवर में वापस भेज दिया गया। अब देखना यह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्ती को संभाल सकेंगे, क्योंकि सूरत हाल यह है कि सिंध की हिजब इक्तदार और हिजब इख्तलाफ दोनों पर मसायब का साया है। क्या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इन इल्जामात का सामना करने और इनको गलत साबित कर सकते हैं? और सबसे अहम बात यह कि इस पूरी सूरत हाल को वफाकी हुकूमत किस तरह से देख रही है? प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ इमरान जफर लगारी साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन से हमें मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और एमक्यूएम से भी की भी रिप्रेजेंटेशन होगी शो में। लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज बीट। इमरान जफर लगारी साहब, आपसे शुरू करेंगे और प्रोग्राम में थोड़ी देर हम वेट भी करेंगे एमक्यूएम का, चूंकि उनकी कमिटमेंट थी हमारे साथ और कल से उन्होंने ये कमिटमेंट की भी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ अहम उनकी मीटिंग्स निकल आती हैं। लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं और शायद वो भी कोशिश कर रहे हों कि कोई ना कोई उनकी तरफ से प्रोग्राम में हो, चूंकि बात प्रोग्राम में एमक्यूएम के हवाले से की जाएगी और अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो फिर गिला बनता नहीं है, चूंकि हमने उन्हें कल से ये बात की हुई थी। इमरान जफर लगारी साहब, ये आपकी आला तरीन क्यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्त और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देने वाले, ये हैं कहाँ आजकल? यही है, जिस तरह देखें यही है, जिस तरह पोर्ट्रेट देखें, जब जिस दिन कराची में दो दिन जो हीट वेव चल रही थी, जरदारी साहब भी वहीं थे, बिलावल साहब भी वहीं थे, ठीक है, उससे अगले दिन वो लोग गए थे, दुबई गए थे, और जिस तरह दुबई को जाने पर उनके मीडिया को प्रटेंड किया गया, उस पर मैं तबसरा नहीं करूंगा, क्योंकि आज देखें आपने बिलावल साहब वापस आ गए, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे दुबई वो आते जाते रहते हैं, कल आसिफ साहब भी वापस आ जाएंगे, वो आसिफ अली जरदारी साहब कल वापस आ रहे हैं, आप खबर दे रहे हैं, परसों आ जाए, वो भी आ जाएंगे, लाहौर आने से पहले मंडे को उन्होंने मीटिंग बुलाई। सूरज आग बरसा रहा है, लोग मर रहे हैं, बिजली नहीं है, गर्मी से, पानी नहीं है, लू से मर रहे हैं, और आप लोग दुबई में और यूरोप में मजे लूट रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना? देखिए जी, कोई मजे नहीं लूट रहा दुबई और यूरोप में, अगर वो गए भी होंगे तो किसी गए होंगे नहीं, गए हैं, गए हुए हैं। देखिए जी, मुझे जहां तक पता है, जब मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी तब कराची में उस वक्त हीट वेव नहीं आई थी जी। मैं खुद अकेला बैठा हुआ था उसी वक्त, जरदारी साहब और बिलावल साहब ने कहा था कि हम लाहौर आ रहे हैं, लेकिन लाहौर लाड़काना के बाद हमने एक दो दिन दुबई जाना है,
ठीक, क्योंकि हम वहाँ शायद इनकी कोई कमिटमेंट थी या मीटिंग थी, मसरूफियात बताई जा रही है। नहीं, नहीं जरूर कोई, लेकिन लेकिन खबरें तो यही चल रही हैं आपका, जो जो खबरों में तो आप छोड़ ही देना, खबरें हम अपनी तरफ से नहीं चलाते, नहीं सोर्सेज। एक सवाल पूछे ना, चलिए बताएं, जाती मसरूफियात हैं? नहीं जाती नहीं थी, जरूर कोई ना कोई मसरूफियात होगी जिसकी बायस हो गए, लेकिन एक दिन में वापस आ गए बिलावल साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चेयरमैन है पार्टी के और पार्टी की कमांड अभी उन्हीं तकरीबन उन्हीं के पास है। नहीं दोनों वो घर है, देखे अब आप इस तरह, उस तरह तो आपने बोला था कि वो कश्तियों में पैसे पकड़े गए, वही एंकर कहता है कि ये कश्तियों में पैसे पीपल्स पार्टी वालों ने खुद ने पकड़े। अब आप एक इस पर भी आएंगे अभी, मैं तो अभी लोड शेडिंग और कराची की सूरत हाल पर देखे उस पर आप बात करें, अभी निकल निकल कर सामने आ रही है। समझता जाती मसरूफियात है या गिरफ्तारी का या कुछ और डर है छापों का इसलिए चले गए हैं? ना हमें कभी छापों का और गिरफ्तारियों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डर था, ना है ना रहेगा। हम लोगों ने ये तसलसल हम शुरू 70s से देखते आ रहे हैं। आज जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे हैं, अभी उनको ये मामूली गिरफ्तारी। मैंने जेल की तो बात ही नहीं की, आपके दिमाग में बार बार आपके जहन में जेल क्यों आता है? जेल आपने पूछा कि गिरफ्तारी, जब कोई जुर्म ही नहीं किया तो जेल क्यों जाएंगे? आपने पूछा गिरफ्तारी तो मैंने उसका जवाब, आपने कहा वो जेल में, नहीं आपने 11 साल से जेल में ही रहे हैं। हमारा तसलसल ये चलता रहता है, कोई हमारे लिए गिरफ्तार होता है सबूत नहीं होता तो बंदा छूट जाता है। जिस तरह मैं नहीं कह रहा मीडिया ट्रायल दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, जिस तरह इस वक्त देखें मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं बगैर सबूत के और इल्जामात की खबरें, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो रही हैं। ठीक है, हमारी मीडिया में हमारा तो कबाड़ा हो गया ना पार्टी। सर कारकर्दगी आप लोगों की बड़ी शानदार है, सारा कसूर मीडिया का है। 2013 में भी आपने यही बातें की थी, कारकर्दगी कारकर्दगी, लेकिन हम तो आप देख लेना आप पहुंच कहां गए, रीजनल पार्टी बन गए हैं आप, नेशनल पार्टी से किस वजह से? अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बने हैं ना। जिस हुकूमत ने, हमारी उस वक्त अपोजिशन थी नून लीग की, इन्होंने एक बहुत बड़ा इशू उठाया था बिजली का जी, आपको याद होगा, मीडिया ने भी उठाया था, यहाँ तक कि हमारे वजीरों को नाम दिए गए थे। ठीक है, इन्होंने दावे किए थे 6 महीने में बिजली वापस ले आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पंखे चला रहे थे मीनारे पाकिस्तान, लेकिन इनके भी दावे के दावे रह गए, इनके दावे इनसे पूछेंगे। लेकिन कुदरती आफात में ना अपने लोगों को इस तरह कोई छोड़ के भागता नहीं है, कोई जाता नहीं है, अपने वोटर्स को भूलते नहीं है। सर आप लोग इस कौम के लीडर हैं, कोई गली मोहल्ले के काउंसलर्स नहीं है, कौन भागा है, कौन है यहाँ पर? पूरी सिंध कैबिनेट कराची में है, चीफ मिनिस्टर कराची में है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन कराची में है, हमारी अभी भी आसफा कराची में है, सब कराची में है, कौन भागा है? मैं आपसे कितने कैंप्स लगाए आपने? हर अस्पताल में कैंप लगा हुआ है, पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट का कैंप लगा हुआ है, हर हॉस्पिटल में हीट वेव का कैंप, आपने इमरजेंसी मेजर्स लिए थे, हर हॉस्पिटल, आप लोगों का रिस्पांस लेवल क्या रहा, हॉस्पिटल आपने कितना लोगों को गाइड किया, कुछ भी नहीं किया। ये आपके काफी फेडरल मिनिस्टर भी गए थे ना, कब्रिस्तान में मुर्दों को जगह दिलवा दें, देखें जी ये कर दें, ये कमरा है ना इसमें कितने लोग आ सकते हैं आप बताए ना, किस कमरे में 2000 लोग आ सकते हैं? नहीं नहीं आ सकते ना, तो आपको उसके लिए अलग स्पेस चाहिए होगा ना। मसला ये है, मैं बताऊं एक नेबर है, मैं काम किसका है भाई, मैं मुझे जवाब तो देने देना, फिर आप सवाल करें ना, आपने एक सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक नेबर है, उसमें तकरीबन कोई डेथ्स हुई है तकरीबन 200-300। ठीक है, उस नेबरहुड में एक कब्रिस्तान है, सपोज करें मैं कोरंगी की बात करूंगा, ठीक है, उसमें एक कब्रिस्तान है, 200-250 अमवात एक साथ डेड बॉडीज आ रही है, कह रही है कि इसी कब्रिस्तान में हर फैमिली मेंबर कह रहा है कि हमने अपने घर के इसी पड़ोस में रखना है, तो ज़ाहिर प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे कोई सोशल और कल्चरल वैल्यूज भी ऐसे हैं जिसको हम तब्दील नहीं करना चाहते और हम उसको तब्दील नहीं कर सकते। कब्रिस्तान की जमीनें कराची में लातादाद है, ये कहने की बात गलत है। उन पे प्लाजे भी बने हुए हैं? नहीं, प्लाजे कौन से कब्रिस्तान पे बने हुए बताएं? क्यों प्लाजे नहीं बने हुए? क्या चाइना कटिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं? एक कब्रिस्तान का नाम लेना सर, इंक्रोचमेंट नहीं हो भाई, एक कब्रिस्तान का नाम सर हुसैनाबाद में नहीं, हुसैनाबाद का जो कब्रिस्तान है, कौन से हुसैनाबाद में कब्रिस्तान है? मारीपुर के कब्रिस्तान में नहीं हुई कहीं, एक आप जाया करें ना इन जगहों पे। मैं जाता हूँ लेकिन किसी कब्रिस्तान के ऊपर अल्लाह का शुक्र है, जिम्मेदारी आपकी जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने कभी नहीं देखा किसी कब्रिस्तान में किसी कब्रिस्तान के ऊपर बिल्डिंग बनी हो, जब से मैं पैदा हुआ। अच्छा मैं फैसलवाड़ा से ये पूछ लें, फैसलवाड़ा से आप जरा इस चीज पॉइंट को आप क्लियर कर दें कि क्या कब्रिस्तानों की जो जमीन है वहां पर बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, क्या वहां पे मुर्दों को तो छोड़ें, जिंदा जगह छोड़ेंगे तो मुर्दे वहां पर आएंगे ना? फैसलवाड़ा साहब शुक्रिया पारस, देखिए इमरान साहब दोस्त हैं, इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने अपनी पैदाइश से नहीं देखा, लेकिन उनकी पैदाइश से पहले से कब्जे हो रहे हैं और उन पे चाइना कटिंग के तहत कब्रिस्तान, फुटबॉल ग्राउंड और उसमें गुलिस्तान जौहर है, मारीपुर है, शेरशाह पुल के बराबर में जो साइड पे कब्रिस्तान है, हॉक्सबे रोड पे जो कब्रिस्तान है उस पर भी सारी बिल्डिंग कब्रिस्तान है, और बाथेलैंड में फुटबॉल ग्राउंड है उसको अलॉट किया हुआ है, और सारे अलॉटमेंट्स भी ब्यूरोक्रेट्स को हुई हुई है, वो सब लिस्टें निकली हुई और सब ऑफिशियल है। तो मेरे ख्याल से शायद इमरान साहब को नहीं पता होगा, इमरान साहब नफीस आदमी, वो ऐसी हरकतों में नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा
और पीपल्स पार्टी काफी मैं दोबारा आपकी तरफ बिल्कुल ठीक, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। जरा इमरान जफर गाइस आप सर्वे करा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जवाब नहीं पारस, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे कब्रिस्तान बने हुए हैं और वहाँ पे जमीनें अलॉट हुई हैं। मेरा सवाल था कौन से कब्रिस्तान के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, तो आप मेरे सवाल को या उनके जवाब को अहमियत दें। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कौन से कब्रिस्तान पे बिल्डिंग बनी है। उन्होंने कहा कब्रिस्तान अलॉट हुए हैं, यानी कि अभी तक जवाब दिया तो है उन्होंने, माड़ीपुर का नाम नहीं लिया उन्होंने। माड़ीपुर में बिल्डिंग बन गई है कब्रिस्तान के ऊपर, जनरल बात कर रहे हैं ना, या तो वो हमारे बात कर रहे हैं डिफेंस की व्यू की बात कर रहे हैं, डिफेंस व्यू की बात कर रहे हैं, कब्जा डिफेंस व्यू पे क्या कब्रिस्तान बने, कब्जे तो हुए ना, कब्जे की बात कर रहे हैं भाई। कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान पे कब्जे कौन करेगा, कैसी आप बात कर रही हैं। अब आपने अगर नहीं मानना, अगर आपने नहीं मानना वहाँ मुर्दे नहीं, अगर आपने जबरदस्ती मुझे मनवाना है, आप अगर आपने मुझे जबरदस्ती मनवाना है, आप जरा जाया करें, आप जरा देखा करें चीजों को सर। कराची में नहीं होता कि हर चीज नहीं ऐसा, हमारे कराची में किसी भी कब्रिस्तान के ऊपर अल्लाह ना करे कि इस किस्म की उसके बावजूद सड़ रही हैं, सर्द खानों में जगह खत्म हो चुकी है। नहीं, कराची में अभी भी कब्रिस्तान की, और लोग अपनी डेड बॉडीज अभी तक काफी लोग बाहर लेके जा रहे हैं, और काफी लोग अपने मालिकान जो अभी तक नहीं है उनकी डेड बॉडीज पड़ी है, कब्रिस्तान की वजह से कोई डेड बॉडी नहीं पड़ी। ठीक है, मोहसिन शाहनवाज अंजा साहब चलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात कर रहे हैं, इनकी कयादत तो मुल्क से बाहर थी, कराची नहीं जा सके। आप लोग जिना हॉस्पिटल में नहीं गए, जरदारी साहब कहाँ हैं, जब सिविल हॉस्पिटल में सीएम साहब गए 24 घंटे, हमारा हेल्थ मिनिस्टर कराची जरदारी साहब नहीं जा सके, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ होते हुए नहीं जा सके। मैं अब बात कर रही हूँ वजीर आजम साहब के हवाले से, हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे सारे हॉस्पिटल में। सर आप फोटो सेशन कराने चले गए, वहाँ पे वो मैं आपके पार्टी आला तरीन कयादत की बात कर रही हूँ। जरदारी साहब ऑन द ग्राउंड फोन पे थे, मीटिंगों में थे, हर किसी से अपडेट ले रहे थे, अभी भी वो रابطے में हैं, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे। जितना आप लोगों ने काम किया ना, जरा आगे चल के प्रोग्राम में बात करते हैं, सारा टाइम आपके साथ ही वरना हो जाएगा। चलें आप क्या ख्याल है मोहसिन शाहनवाज अंजा साहब, क्या वजीर आजम साहब को नहीं कराची जाना चाहिए था, क्या ख्वाजा आसिफ को नहीं जाना चाहिए था, या वो कुछ ज्यादा दूसरे चीज में मसरूफ थे? यहाँ पर जब ये सारा हुआ, हमारे वहाँ पर वुजरा भी गए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी गई, आज गए अब्दुल कादिर बलोच साहब भी गए, वजीर आजम साहब भी जाएंगे। लेकिन जो जहाँ तक कितने दिन बाद गए, देखिए वुजरा दूसरे दिन तीसरे सात दिन बाद आज गए, जो ये हलाकतें शुरू हुई हैं ये तीसरे तीन दिन पहले शुरू हुई, इनका सिलसिला फिर जारी है, पहले दिन से हो रही हैं हलाकतें वहाँ पर। देखिए उसका जो एक जो उसकी हाइप ज्यादा बनी और सारा कुछ रिपोर्टेड हुआ, कराची में हलाकतें जो हुई वो इंतहाई अफसोसनाक है। इसके ऊपर किसी को डिफेंड करना, मुझे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने और अपने आप को ये कहना कि जी हमारा इसमें कोई नहीं है, नहीं बिल्कुल, हमारा कराची के लोगों का हम पर हक है वफाकी हुकूमत, तो और हम वो रिस्पांसिबिलिटी पूरी करने के लिए तैयार है। देखें तहकीकाती कमीशन भी बनेगा, लेकिन उसके बाद हमने जहां तक हमारा करदार है, देखें जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये हमने आज तक पंजाब लाहौर में कोई सानिया होता है तो हम कराची वालों को ये नहीं कहते कि आप आए और हमारा हाउस इन ऑर्डर करें। अगर केपी के लाहौर में सानिया होता तो हम केपी के वालों को या बलोचिस्तान वालों को नहीं कहते, ना उनसे तोक्को रखते हैं कि अब वो आके हमारा घर सीधा करेंगे। जिम्मेदारी इनकी थी सिंध हुकूमत, देखिए बिल्कुल जिम्मेदारी, एक दिन दो दिन मैं यही बात कर रहा हूँ, देखिए मैं इमरान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं पीपल्स पार्टी के भी जो लोग हैं, लेकिन दिस इज अबाउट टाइम कि पीपल्स पार्टी को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, और वो किस तरह करना पड़ेगा। खुर्रम हुसैन का आर्टिकल उठा के देख ले, देखिए अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट या पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के थे, देखिए मेरी बात सुने, तो फिर आपको सोचना जिम्मेवारियां होती है ना। अगर हमने कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जाके वहां पे सारा ये जो एक्शन है इसको सारे को सुपरवाइज किया, इसको खुद लीड किया, और फिर उसके बाद कायम अली शाह साहब को कहा कि आप करें, कराची के अवाम का दर्द ना होता दिल में, कराची के अवाम का एहसास ना होता तो ये ऑपरेशन क्यों कराते, और अभी भी हमें कराची का एहसास है। मैं भी एक दूसरे बड़े मसले पे बात कर रहे हैं ना, बिजली वहां पर अच्छा, बिजली पे भी बिजली के ऊपर जो पिछले दो तीन दिनों से एक डिबेट चल रही है, उस डिबेट के बीच में वफाकी हुकूमत इस वक्त क्या कर सकती है, केई का जो एग्रीमेंट है वो स्क्रैप कर सकती है, उसको नेपरा शो कॉज दे सकती है, फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि उसके बाद लाइन में कौन सी ऐसी कंपनी खड़ी है जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि जो फौरी तौर पे 4000 मेगावाट सिस्टम में डाले और उसको चलाए। हम ये कर सकते हैं, रेगुलेटर्स ने इंश्योर करना है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि जो केई है इसने जो हमारे साथ कमिटमेंट्स की थी 2009 में, जब ये अबराज ने आके केई की भागदौड़ संभाली और 62-63% उसने शेयर होल्डिंग ले ली, तो उस वक्त जो इसने वायलेशंस की, इसने अपने लाइन लॉसेस नहीं कंट्रोल किए,
इसने जो जो इसने इसका एग्रीमेंट अभी एक्सपायर हुआ है, हमने इसका एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया सिर्फ इस, और उसके बावजूद हम केई को कराची की आवाम को पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सब्सिडी वफाकी हुकूमत देती है, 70 अरब रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत कराची को देती है। अगर कराची की आवाम का एहसास ना हो तो पूरे पाकिस्तान की आवाम को उतनी सब्सिडी नहीं देती। आप जिम्मेदारियां सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे साथ सलमान गनी साहब मौजूद हैं। हम शिफ्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी बनती है अब वो हम पे डालें। लेकिन हमारी बनती है कि 7 दिन के बाद आप दो वुज़रा भेज दें, एक आप तहकीकाती कमीशन बना दें, तहकीकाती टीम बना दें, बस ये जिम्मेदारी है, काम हो गया वज़ीर आज़म का। हमारा ये भी होगा कि हम केई का जो एग्रीमेंट है उसको हम स्क्रैप कर सकते हैं, उसके ऊपर हम शोक और इसीलिए शायद इमरान खान ने कहा कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बावजूद वही हाल है मियां नवाज़ शरीफ साहब का, ये नहीं कि वही बेनियाज़ी है। आपने खुद केपीके के अंदर वहां पे दूध की और शहद की नहरें बहा दी हो तो फिर तो ये बात करते अच्छे लगेंगे। अगर केपीके में 20 हलाकतें होती हैं और यहाँ पे धरनों के दौरान कोई भी हमारे अदारों की कारकर्दगी चेक कर सकता है, खुद कल खामोशी से उसको अमेंड किया गया कि राइट इन्फॉर्मेशन करा दिए गए। अब देखिए ना, ये तो फिर क्या गुड गवर्नेंस हुई। ठीक है सलमान गनी साहब, आप बात सबकी सुन रहे हैं, क्या ख्याल है कि ये ना अहली, लापरवाही, ना लायकी ये किसकी है, ये तायुन इसका कैसे किया जा सकता है? क्योंकि यहां पर तो सिंध हुकूमत कह रही है, के इलेक्ट्रिक कह रही है सिंध हुकूमत, और 18वीं तरमीम के बाद वफाक माजूर है। देखिए पारिस, मैं ये समझता हूँ कि असल मसला जो है वो जिम्मेदारी का है और एहसास का है। क्या हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी महसूस करती हैं और क्या हुक्मरानों के अंदर एहसास है? हमारी बड़ी सियासी बदकिस्मती ये रही कि हम मुखालफत बराए मुखालफत और इल्जाम तराशी की सियासत में उलझे रहे और पाकिस्तान में हम जमहूरियत के दावे करते रहे लेकिन जमहूर की हालत ज़ार पे तवज्जो नहीं दी जाती रही। इसमें कोई शक नहीं कि एक मुजरमाना गफलत रही है। माजी में बिजली की पैदावार के हवाले से लोड शेडिंग का इशू जो है ये 10 साल से चल रहा है और वो हुक्मरानों ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन एक वाट बिजली भी पैदा नहीं कर सके। मौजूदा हुकूमत को मैं सिर्फ इतना सा क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने इस हवाले से कुछ पेशरफ जरूर की है लेकिन अभी बिजली की पैदावार सामने नहीं आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह का बहरान कराची के अंदर तारी हुआ है, अभी मेरे दोस्त मोहसिन रांझा साहब और खास तौर पर ये सियासी लोग दूध और शहद की नहरों का जब जिक्र करते हैं तो वो दूध और शहद की नहरें तो एक ख्वाब है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ पीने का साफ पानी, सिर्फ और सिर्फ पीने का साफ पानी अगर आप अपनी आवाम को नहीं दे सके 68 साल में तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और खास तौर पर पारस में समझता हूँ जो इश्यूज कराची में दरपेश है ये बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम के इश्यूज हैं और हमारे यहाँ जमहूरियत की दावेदार जमातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम की बात करती रही हैं लेकिन आज तक इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल एक वजह है जिसके बारे में बात की जा रही है। फैसल वाडा साहब, थोड़ी बहुत गर्मी कम होने के बावजूद देखा यह गया है कि आज भी आपने देखा कि बड़ी तादाद में कराची में हलाकतें हुई हैं, क्या ख्याल है कि हम हमारे पास इसका कोई हल ही मौजूद नहीं है, हम हल निकाल नहीं पा रहे हैं या जो हल निकालने वाले वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, वो कहीं और किसी और चीजों में मसरूफ है? पारस देखें, सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट से। जब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट नहीं है, जबकि 70% टैक्स आपको कराची दे रहा है और आप कहते हैं हमारा मैंडेट नहीं है, कल टारगेट किलिंग बढ़ जाएगी तो कहेंगे हमारा मैंडेट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं कहते हैं कि मक्खी मरती है, स्ट्राइक होती है क्योंकि वो हर्ट करता है जब भी कराची बंद होता है उनके टैक्सेस के ऊपर, रिकवरी के ऊपर, लेकिन आप कहें मैंडेट नहीं है। उसके बाद आपने नंदीपुर पावर प्लांट का देखा, 2 अरब रुपए की एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई गई 2 साल तक, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अनाउंसमेंट की, ख्वाजा साहब ने कहा कि दिसंबर में होगा, दिसंबर का फरवरी होगा, फरवरी का अप्रैल होगा, आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और उसका 2 अरब रुपए का हिसाब कहीं किसी के पास नहीं है। फिर नेपरा का काम था कि वो काम प्राइवेटाइज हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेपरा ने क्या उसके अंदर कोई काम किया है या कोई शो कॉज नोटिस दिया है, एक्सप्लेनेशन मांगी है? नंबर 3 ये कि देखिए, अगर एक वफाक ने एक एग्रीमेंट किया था के इलेक्ट्रिक साथ तो वो 650 वाट क्यों नहीं दे रहे? अच्छा अब आ गया पीपल्स पार्टी के ऊपर, वो भी एक मजाक कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, जबकि इन्हीं की गवर्नमेंट में 2009 में एग्रीमेंट हुआ और के अबराज को टेक ओवर करने का भी 2009 में सेरा इनके ऊपर जाता है, तो अपने ही किए हुए काम के ऊपर हमके ऊपर ये धरना दे रहे हैं, तो ये क्या के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कर रहे हैं या अपने खिलाफ कर रहे हैं? इतनी कंफ्यूज सियासत हो रही है। देखिए जब सियासत में
लेकिन ऐसा नहीं लगता वाडा साहब, ऐसा नहीं लगता कि ये इन अमवात को, रमजान को, गर्मी को, इन वाकयात को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, सियासत के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि देखें, हम सब यहाँ एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, अभी आपने भी कहा ना कि ये जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार हैं या इनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल, ये कराची की एक पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी क्या जिम्मेदारियां पूरी की हैं, या इन वाकयात में सिर्फ आपने तनकीद का पहलू ढूंढ लिया है, वो निकाल लिया कि तनकीद करनी है हर जगह बैठ के अब हुकूमत पे, सिंध हुकूमत पे? पारस, देखिए मेरे ख्याल से ये बड़ा इररीजनेबल होगा अगर हमें इस पे ब्लेम किया जाए। मेरे ख्याल तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो, क्या कहते हैं ये सारे जो फ्लड्स आए उसका मसला हो, या कराची में एक एमक्यूएम की गुंडागर्दी हो, इन सब चीज़ों का एड्रेस तहरीक इंसाफ ने किया और फ्रंट फुट पे खुल के किया। आज ही आपको शो का, आपको पता है कि वो आपके शो की वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से नहीं, बुजदिल पार्टी है, और इनकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर ही प्रॉब्लम ये है कि फेस नहीं कर सकते सच बोले। मोहसिन राजा साहब मेरे दोस्त भी हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, इमरान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोई हल की तरफ नहीं कोई जा रहा। हम लोग सब तनकीद इसलिए करें ताकि ये कुछ कर सके। देखिए इलेक्शन रिग होने का रोना हम वहीं से रो रहे हैं, आप यकीन करें का मैंडेट हम वहीं से रो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का वहीं से, हम आपका किरदार जानना चाह रहे हैं कि ये जो मुश्किल घड़ी थी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात के तौर पर आप लोगों का रिस्पांस लेवल क्या रहा, क्या किरदार रहा? देखिए फलाही इदारे, निजी इदारे, रेंजर्स पुलिस, रेंजर्स फौज, ये कैंप लगा सकते हैं, एमक्यूएम कैंप लगा सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह के काम क्यों नहीं कर सकती? हमने भी लगाई जी, आपने भी लगाया, हमने भी लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं कर सकती? बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं कि कराची में तहरीक इंसाफ के अभी एज अ पॉलिटिकल पार्टी सबसे मैक्सिमम कैंप्स, मैक्सिमम पानी की बोतलें, मैक्सिमम जूसेस, मैक्सिमम ट्रेनिंग कैंप जो है वो सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के लगे हुए हैं। आपको मेरे ख्याल से मुखालता हुआ है कि किसी ने आपको बताया नहीं है, लेकिन अगर आप जाके विजिट करें तो अभी सबसे ज्यादा अगर एक्टिव हुई हुई कराची की पार्टी तो तहरीक इंसाफ हुई है। पानी की बोतलें हम खुद दे रहे हैं, मतलब उसके लिए हम लोगों से नहीं मांग रहे, पार्टी के अंदर विद इन फंड जनरेट हो रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की चीजें इमदाद के लिए जा रही है। इसका मतलब आप लोग खामोशी से काम कर रहे हैं और आगे भी आपको पता है कि हीट स्ट्रोक आनी है। ठीक है, यानी कि आप लोग खामोशी से काम कर रहे हैं क्योंकि मीडिया पर ऐसी कोई खबरें चलती हुई देखी नहीं है। बहुत बुरी हीट स्ट्रोक पे हिट होना है, ठीक है, और ना ही किसी हॉस्पिटल के बाहर आप लोगों का कोई कैमरा वहां तक पहुंच रहा। मैं तो आपसे ऑन रिकॉर्ड, आपकी तो छोटी छोटी बात पे हर जगह कैमरा पहुंच जाता है, हर किसी एक बात का जवाब। इन्होंने कहा कि 650 मेगावाट हुकूमत नहीं दे रही, ये गलत बात है, हुकूमत 650 मेगावाट दे रही है, और ये सारी की सारी जो बदनवानी है, मैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जो ये कल के ई के खिलाफ जा रहे हैं ना, उसके खिलाफ ये दरखास्त दे रहे हैं, मैं कहता हूँ ये ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनका ये है हुकूमत के खिलाफ ये, और सिंध हुकूमत के खिलाफ भी दे क्योंकि बद इंतजामी है, अगर है तो अब ये भुगतनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये देखिए ये पाकिस्तान के बीच में ये लॉ ऑफ शॉर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डेवलप नहीं है, ये कुछ क्रिमिनल नहीं बनती, ये आपकी सिविल लाइबिलिटी है, डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन वो दैट टाइम विल कम जब वो कानून पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंप्लीमेंट होंगे। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 650 मेगावाट जो है, बल्कि इनको मैं एक और भी चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त के ई है इनके पास अपनी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ये आराम से पूरी कर रही है। वफाक का 650 मेगावाट ले लेते हैं और ये 650 मेगावाट वफाक का ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता इनको पड़ता है, जो इनके पास अपनी जनरेशन है 2500 मेगावाट की वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो बिजली का बिल महंगे पड़ते हैं, ये वहां से पैसे ज्यादा नहीं दे सकते, या ये कोई हदीस हो गई है कि 650 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। सारे सूबों को साथ लेके चल रहे हैं, हमने कराची को भी साथ लेके चल रहे हैं, लाहौर वाली सूरत हाल है, आप उसको नॉर्मल ना समझें, हर जगह पे एक हीट वेव है और अगर वहां पे 650 से ऊपर छोड़ के हमारा कहते हैं ना कराची के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, अगर वो भी बातों मांगेंगे बातों तो हम वो भी देंगे, प्रैक्टिकली भी करें, देना प्रैक्टिकली भी करेंगे, आप वहां लोगों की जाने बचाएं, जाने बचा रहे हैं और कराची के इस हवाले से हमारे वहां पे मिनिस्टर्स भी गए और अब हम केई वाला जो है एग्रीमेंट सलमान खान साहब कुछ कह रहे हैं जी, सलमान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट को कहें कि ये सिर्फ सिंध हुकूमत पे ना छोड़ें, कराची को ओन करें, कराची मिनी पाकिस्तान है और पाकिस्तान का कोई शहर और कस्बा सबसे ज्यादा कमा के देता है, यहाँ के लोग कराची के अंदर मौजूद नहीं है, और अगर कराची को आप सबने मिलकर ओन ना किया तो फिर कराची के अवाम का रद्द अमल सामने आएगा और फिर आपके सिस्टम के लिए खतरा बनेगा। कराची के सिंध के सूरत हाल ब्रेक लेनी है, जरा इसका छोटा जवाब दे दीजिएगा फिर आपसे दोबारा शुरू करूंगी। नहीं, मुझे एक बार शुरू करें, मैं लंबा जवाब नहीं, फिर हम दूसरे भी टॉपिक पे आगे भी बढ़ सके, सिंध के हालात कैसे बेहतर होंगे? इमरान खान तो कह रहे हैं करप्शन ने गवर्नेंस खत्म कर दी है, शाही खानदान दुबई पहुंच गए, न्याजी साहब का कहना ना कहना वो उनकी अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, 2018 में अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते
तो मेरे ख्याल में आगे उनके लिए एज काफी हो जाएगी। गलत कह रहे हैं, करप्शन गवर्नेंस सिस्टम खत्म हो गया। करप्शन देखे ना, करप्शन इल्जामात, मैं लेजिस्लेशन मूव करने वाला हूँ सीरियसली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इल्जामात आप लाख लगाए, जब तक वो चीज सबूत के साथ पेश नहीं होती, बंदा कन्विक्ट नहीं होता, तब तक आप कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे आपने हजार लोग मरने का सबूत दें कि वो मर गए। हीट वेव थी, मानती हैं हीट वेव थी, लेकिन गर्मी से बचने के लिए बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। हीट वेव थी, मानती है, बिजली होना चाहिए थी, मानती ना, मानती है ना, बिजली होनी चाहिए था ना। क्लाइमेट चेंज कब से चेंज हो रहा है? क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है, नहीं नहीं पारस मुझे जवाब तो देने, क्लाइमेट चेंज ठीक है, क्लाइमेट चेंज ऐसा सब्जेक्ट है साउथ एशिया का जिसपे हर कोई मुल्क स्पेंड कर रहा है, बजट रख रहा है, इंडिया रख रहा है, बांग्लादेश रख रहा है, श्रीलंका, ये बातें ही चला कपड़ा निकल। क्लाइमेट चेंज मेहरबानी इस हुकूमत की, इन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया, पता है उसमें बजट कितना रखा है इस साल इन्होंने? 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ आपका मैट डिपार्टमेंट। और जिम्मेदारी कोई, पारस नहीं, भी कोई जिम्मेदारी ना, जिम्मेदारी की बात करती हो ना, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि सुबह हमारी तो है, हम ऑन करते हैं, मौसम का हाल बताएं, बताते हैं आप लोग, जिम्मेदारी ऑन कर ले, कुछ लोगों को आगे ही मुहिम में चला देते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। मैट के डिपार्टमेंट के पास क्या टेक्नोलॉजी है जो आपका फोरकास्ट बता सके सही तरीके से? सर ये सारी नालायकी, इदारे कभी मजबूत ही नहीं हुए आज तक, कभी मजबूत ही नहीं हुए। इन सिविलियन इदारों को मजबूत करना है, इन चीजों को मजबूत करना है, पाकिस्तान में ये कैसे मजबूत होंगी? ये ब्रेक के बाद बात करते हैं, इसी तसलसल से मजबूत कुछ हो तो जमहूरियत को खतरा हो जाता है। जमहूरियत को ब्रेक देते रहेगा, लेकिन इमरान जफर गाई साहब, अभी पहले सेगमेंट में जब हम बात कर रहे थे, आपने दो दफा बात की सबूत के हवाले से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबूत होने चाहिए, लेकिन आप इस बात को भी मानेंगे, चूंकि कहा जाता है कि सबूत होने चाहिए तो उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए, सबूत के लिए आपको अहम गिरफ्तारियां होना चाहिए, सबूत के लिए अहम जगहों पर छापे मारने चाहिए, कितना बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन जब ये सब कुछ होता है तो फिर आप लोग शोर मचाते हैं, फिर आपको जमहूरियत खतरे में नजर आती है, फिर आप कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर आप कहते हैं हम पोले खोल देंगे, फिर आप कहते हैं हम लिस्टें निकाल के ले आएंगे, कैसे होगी कार्रवाई? सवाल खत्म हो, बिल्कुल मैं जवाब दूं जी, हमारा किसी चीज पे एतराज नहीं है, करप्शन की पीपल्स पार्टी ना कभी बैक करेगी ना हम कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं आप पकड़ो, लेकिन जो जिस इदारे का काम है, नैब का काम है, एंटी करप्शन का काम है, उन्हें आप दें करप्शन के, वो जितनी उन्होंने तहकीकात करनी है करें, लेकिन इंडिविजुअल और हकायक की बुनियाद पे, सैफुर रहमान के नैब वाला नहीं होना चाहिए जो सैफुर रहमान का नैब था, क्या कानून ला रहे हैं नैब के हाथ पांव बांधने के लिए कल परसों? नहीं जी, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कानून लाने का, अभी तक इस पे सीसी ने कभी कोई, हमारी मीटिंग नहीं हुई पार्टी पे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम जरूरत पड़ी क्या पता आपका इरादा बन जाए, वो खबरें चल रही है इस हवाले से, खबरें जरूरत के लिए तो हर चीज कर लेते हैं जी। इस वक्त जरूरत है, इस वक्त जो मुल्क में जरूरत है वो जरूरत है एक बेनकाब करने की, करप्शन करने वालों को बेनकाब, हजार बार करें, आप शोर नहीं मचाना चाहिए, शोर नहीं मचाना, नहीं लेकिन कोई इदारा नहीं, जब कोई इदारा पारस माजरत के साथ, पारस माजरत, कोई इदारा अपने डोमेन से निकलेगा, मैं एमएनए हूं ना, कानून और आईन के मुताबिक अगर जो मेरा डोमेन है मैं उसे बाहर निकलूंगा, आप लोग मेरे पे रिपोर्टिंग करेंगे ना, मैं आईन और कानून के डोमेन से कहां निकले? एपेक्स कमेटी का चेयरमैन कौन है? सीएम, तो फिर कहां डोमेन से निकले? तो एपेक्स कमेटी में ये चीजें डिस्कस हुई हैं? नहीं, क्या जो एपेक्स कमेटी में ये चीजें डिस्कस हुई हैं? अगर उनके सामने तो रिपोर्ट लिखी थी सीएम के सामने, किसी सरकारी इदारे के अफसरान को ये लगता है कि वो जाके मीडिया में रिपोर्टें दे, एपेक्स कमेटी की इतनी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टें होती हैं, आपने वो कितने मदारिस पकड़े हैं जो दहशतगर्दी पहले वो रिपोर्ट दी थी ना केंद्र से, आप लोगों ने 7 दिन तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं की, मीडिया के सामने आई कितने मदारिस, आपने कितने वो दीनी मदारिस पकड़े हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, आपने अभी तक कलबन तंजीमों की 230 ना, जिसमें ये बोला था, अच्छा जिसमें ये बोला था कि 200 अरब का तेल आता है ईरानी बॉर्डर से, कराची से ईरानी बॉर्डर कितना दूर है, किसकी जिम्मेदारी है? उधर भी कायम अली शाह की जिम्मेदारी है, बताए ना, उधर भी जिम्मेदारियां। अच्छा इनसे पूछे, सॉरी इनसे पूछे,
इनसे पूछे इन्होंने अभी तक कालाधन तंजीमों की सर वो ठीक है आप हर टॉक शो में इनसे ये सवाल करते हैं लेकिन मैं और सवाल करती हूँ एक्शन प्लान के हवाले से। सर मैं बात करना चाह रही हूँ कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है और एमक्यू इमरानजा साहब क्या ख्याल है ये सच्चाई इसमें लग रही है आपको या कोई साजिश लग रही है? चूंकि आज आप लोगों ने खत तो वजारत दाखिला ने लिख दिया बरतानवी हुकूमत को हकाइक जानने के लिए। देखिए जहां तक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उस डॉक्यूमेंट्री के बीच में वो जो साफी है उन्होंने भी रिलायंस अपना पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर किया हुआ है। उन्होंने कहीं ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ कि ब्रिटिश अथॉरिटीज कन्फर्म्स, ठीक है। उन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो गैदर की है ये सारा सिलसिला शुरू हुआ जब कराची में अल्ताफ हुसैन साहब ने एक तकरीर की और सर निसार साहब ने कहा कि एक्सट्रेडिशन जो है मैं इनकी एक्सट्रेडिशन भी करवाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अब जो लेटर्स जा रहे हैं उनको लीगल एक्सपर्ट्स के थ्रू भेजा जा रहा है कि अगर हमें एक्सट्रेडिशन भी करवानी पड़े यहाँ पर कानून साजदारों की लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री है ना ये बीबीसी की सारी बेस करती है कि सोर्सेस सारे पाकिस्तान के हैं। हाँ, जैसे कि राहुल वार का नाम है, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मुतालबा भी किया बैन लगाने का, तो खत लिखने के बजाय अपने लोगों से पूछे ना। देखें जो खत लिखा जा रहा है क्योंकि इमरान फारूक केस जो है कत्ल का जो केस है वो वहां पर हुआ है, वो कुआ इंग्लैंड में हुआ है, ठीक है। हमारे कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन इमरान फारूक केस की नहीं बनती लेकिन उसकी कड़ियां जरूर मिलती हैं कि अगर जो हमेशा से एमक्यूएम पे ये इल्जाम लगते आ रहे हैं अगर उन इल्जाम को सच्चा साबित करना है। हम ये नहीं कह रहे, अभी हम नहीं कहेंगे कि एलजीएम जो अभी वो मुलजिम है अभी मुजरिम नहीं बने, लेकिन अगर वो मुजरिम होंगे तो देयर विल बी जीरो टॉलरेंस। अच्छा वादा साहब जरा इस पे आप भी अपना लास्ट कमेंट कर दें। देखें लंदन इमरान खान भी सबूत लेकर गए थे, जुल्फिकार मिर्जा भी सबूत लेके गए, फिर 2013 में भी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई एमक्यूएम के हवाले से लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका या कोई साबित नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बेसिस पे एमक्यूएम को कह रही है कि आप अपनी पोजीशन को क्लियर करें ऐसे इल्जाम से जो साबित ही नहीं हुए उनपे? पारस देखें जो एक हिस्सा है उसमें जरूर ये कहा गया कि पाकिस्तानी अथॉरिटी से पूछा गया लेकिन दूसरे हिस्से में उन्होंने ये कहा है कि दो सीनियर आदमी तारिक मीर और मोहम्मद अनवर उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की वीडियो है उनके बाद उसका तो बाद काम खत्म हो गया। और आज एक चैनल ने वो मेट्रोपॉलिटन की रिपोर्ट भी दिखा दी है तो चैप्टर क्लोज हो गया। जब ये इतने एक्टिव है फेडरल गवर्नमेंट के एक जाली डिग्री वाली कंपनी को 72 घंटे फारिग कर सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स केस के ऊपर न्यूज के ऊपर तो बीबीसी के ऊपर बैन लगाए अगर ये मुलाकात से वीडियो बारे में कितनी देर लगेगी इंग्लैंड में बैठे हुए और उनकी एक्सट्रेडिशन करानी पड़ेगी। क्लोजिंग कमेंट्स एक मिनट मैं बात खत्म कर क्या गले में फंदा तंग हो रहा है या जान बच जाएगी? वाडा साहब लास्ट कमेंट जल्दी से इस पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। एमक्यूएम को बैन करना पड़ेगा इनको क्योंकि वो दहशतगर्द तंजीम है, उनका ताल्लुक रॉ से है, फाइनेंशियल और ट्रेनिंग से लेते रहे फंडिंग उनकी, उसके बाद अब कोई दो राय रही नहीं है। देखो मुल्क को बचाना है या एमक्यूएम को बचाना है, इंपार्शियल ऑपरेशन है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सुन्नी तहरीक हो, एमक्यूएम हो, सबको यहाँ पे कानून के मुल्क के इशू इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है उसको खत्म करो। इनकी प्रायोरिटी तो चेंज हो गई है, इनकी प्रायोरिटी चली गई है जनता पर नहीं हुई और इनकी प्रायोरिटी चली गई है मोटर पे। इनको एनर्जी क्राइसिस पे अपने आप ही नीचे करके पहली दफा ये आई है प्रायोरिटी चेंज करो, बिल्कुल चेंज नहीं हुई, प्रायोरिटी चेंज मत करो अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहांजेब को इजाजत दीजिए, इमरान जफर लगारी साहब कुछ कुछ परफॉर्मेंस आप लोग भी दिखा दें, आप लोग हम पे तंकीद क्यों?